नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आज एक और दिव्य औषधि पौधा से परिचय कराने जा रहे हैं दोस्तों। यह पौधा भीमराज का है। भीमराज आयुर्वेद में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पौधा है। भीमराज से आयुर्वेद में कई औषधि बनाए जाते हैं। यह पीलिया, बवासीर, बालों की समस्या, चर्म रोग आदि बीमारी के लिए यह अचूक औषधि है। भीमराज पानशाला के जगह में अधिक पाया जाता है। वर्षा ऋतु के दिनों में खेत खलिहान में भी यह उग जाता है। भीमराज में सफ़ेद फूल खिलते हैं। भीमराज के फूल सूर्यमुखी फूल की तरह दिखाई देता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। अधिक देर तक पानी में काम करने से हाथ पैर गलने लगता है। तो भीमराज के पत्ता को पीसकर लगाने से तुरंत लाभ मिलता है। चाहे घाव जख्म हो, खेत में काम करने समय कट गए हैं या चोट लगा हो, तो इस पत्ता को पीसकर लगाएं, घाव जख्म ठीक हो जाता है। यह प्रयोग हमारे गांव के लोग बहुत करते हैं। भीमराज के पौधा को आयुर्वेद में रसायन माना गया है। यह पीलिया, लीवर के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। जिन्हें जॉन्डिस हो गया है उसके लिए यह एक उपयोगी पौधा है। भीमराज के पत्तों का रस 10 ग्राम निकाल लें। 10 ग्राम नियमित रूप से 4-5 दिनों तक सेवन करें। पीलिया, लीवर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगा। भीमराज मधुमेह जैसे बीमारी में भी लाभदायक साबित होता है। भीमराज का पत्तों का सौरस 2 चम्मच पीने से मधुमेह में लाभ मिलता है। भीमराज बालों की समस्या के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। चाहे बाल झड़ रहे हों या बाल सफ़ेद हों, भीमराज के 2 चम्मच रस निकालकर उसमें आंवला, सिकाई, इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बाल की जड़ों में लेप करने से बाल मजबूत और काले होते हैं। बालों की झड़ने की समस्या दूर होता है। अगर बालों में रूसी हो तो इस लेप में दही मिलाकर बालों में लगाने से रूसी की समस्या दूर हो जाता है। बालों की झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। भीमराज रक्तचाप को भी दूर करता है। जिनका बीपी हाई हो गया है, भीमराज के 2 चम्मच रस निकालकर सीधा पी जाएं या इसमें पानी या मिश्री मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट हो तो आप मिश्री न मिलाएं। भीमराज आँखों की समस्या के लिए भी उपयोगी है। आँख दुख रहे हो या आँखों से कम दिखाई देता हो या मोतिया बिंद हो, भीमराज के सौरस को आँख में डालने से लाभ मिलता है। इसके पंचांग को अर्क बनाकर आँख में डाल सकते हैं। भीमराज पाइल्स बवासीर में भी बहुत उपयोगी होता है। भीमराज को पत्ता डंटी सहित छांव में सुखा लें। 50 ग्राम भीमराज के चूर्ण लें और 20-25 ग्राम काली मिर्च दोनों को पीसकर एक छोटे चना के आकार गोली बना लें। इस गोली का सुबह शाम सेवन करें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलता है और धीरे धीरे यह ठीक हो जाता है। यह बिच्छू काटने पर भी लाभ करता है। अगर बिच्छू ने डंक मार दिया हो इसके पत्ता को सौरस लगाने से तो बिच्छी का जहर समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।
अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए।